पीवी टेक्सटाइल लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट कॉमर्शियल पारस मुनोद से commoditiescontrol.com ने कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट और पूरी इंडस्ट्री पे बातचीत की। पारस जी, इस बार कॉटन का उत्पादन कैसा है देश में और मंडियों में अराइवल की स्थिति क्या दिख रही है? विदर्भ की जो हिंगनघाट सर्कल से सराउंडिंग जो मंडी है, सभी मंडियों में पिछले साल से आवक अभी तक कम है। जैसा कि रिपोर्ट है, हिंगनघाट मंडी में भी पिछले साल की आवक से आज की तारीख तक 1,00,000 क्विंटल माल कम आया है। इस सब को वातावरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्पादन पिछले साल से कम है। यदि क्रॉप ज़्यादा है तो मंडी में आवक आना चाहिए, वो आवक अभी तक बढ़ नहीं रही। इसी को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से आवक मतलब उत्पादन कम है। कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह की है इस समय? फिलहाल ऐसा कोई भी बायर नहीं, कोई बहुत एक्सपोर्टर की डिमांड है या एक्सपोर्टर बायर है ऐसा भी नहीं है। तो ये डिमांड के बढ़ने के कब तक चांस हो सकते हैं? एक्सपोर्ट डिमांड तो खैर हम ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो एक्सपोर्ट डिमांड की जानकारी नहीं है। पर लगता ऐसा है कि बाहर में भी उसकी अच्छी डिमांड नहीं है, करीब इसीलिए वो लोग अभी तक के ऐसे खुल के बाहर नहीं है। कॉटन में जनवरी के बाद अगर हम बात करें सीजन के लास्ट तक, तो प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अपवर्ड लगता है। अभी दिसंबर जनवरी में तो ऐसा लगता है कि शायद बढ़ा कम हो जी, पर इसके आगे बाजार थोड़ा अपवर्ड जाएगा। तो आपके अनुसार ये प्राइस रेंज लगभग क्या रह सकती है आगे के सीजन, जो बचे हुए सीजन के समय के लिए? मैक्सिमम यदि अपन समझे भी कि वो टिल एंड ऑफ न्यू सीजन, तो 48,000-50,000 ये जो रेंज जाती है, वो रेंज तक के तो इस साल भी जाने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का माल अभी से ही आना कम, मतलब जो जिस फ्लो में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो यदि जनवरी तक के उसकी उम्मीद है, इसके आगे ये मालों की डिमांड भी अच्छी होगी, तो लगता है कि वो पिछले साल का माल जो लेवल है वो वापस टच करेगा। ये इस बार जब सीजन की शुरुआत हुई और अभी तक कॉटन के प्राइस में काफ़ी मूवमेंट देखा गया है, तो इस वजह से जीनर्स का जो मार्जिन है वो किस तरह का इफेक्ट हुआ है या क्या स्थिति उसमें अब दिखने को मिल रही है? मार्केट प्राइस के हिसाब से जीनर्स को मार्जिन है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। जिस भाव में कपास बिक रहा है या जिस भाव में बेल्स अवेलेबल है, ये क्या कैलकुलेशन है हम समझ नहीं पा रहे अभी तक। हम भी खरीद रहे हैं मार्केट से कपास, हमको जिस भाव में मतलब जॉब करा के जो रेट में पड़ रहा है, और उससे करीब करीब 1,500 रुपया खंडी कम भाव में बाज़ार में माल अवेलेबल है, तो जीनर्स को कोई 1,500 रुपया मार्जिन हमको तो नहीं लगता है। और वो किस कैसे बेच पा रहे हैं, या तो टर्नओवर के लिए या जीन चालू रखने के लिए या कंटिन्यू जो एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए वो चला रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में उनको मार्जिन है ऐसा लगता नहीं। जी पारस जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।